अधिवक्ता सूरज उपाध्याय ने बताया कि 585/1 एमजी रोड इंदौर करीब 28,000 स्क्वायर फीट जमीन जिसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक है। जमीन का नक्शा बिल्डर मोहनलाल के द्वारा टीएनसी व नगर निगम अधिकारियों से साठ घाट करके पास करवा लिया था। जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी ही है। बिल्डर मोहनलाल के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से निर्माण कार्य शुरू हो जाए। मामला ये है 585/1 एमजी रोड करीब 28,000 स्क्वायर फीट जमीन है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इस जमीन पर का नक्शा बिल्डर मोहनलाल चूरू ने जो है टीएनसीपी और नगर निगम से पास करा लिया था। जमीन आज भी जो है नजूल के रिकॉर्ड में सरकारी है। अब इस जमीन को लेकर जो है किसी भी तरीके से अफसरों से साठ गांठ करके और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है निर्माण कार्य हो जाए और बिल्डिंग बन जाए। मैंने इसको लेकर जो है कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और टीएनसीपी के अफसरों से बात की थी। टीएनसीपी के अफसर लगातार जो है नजूल विभाग से जानकारी मांग रहे हैं। नजूल विभाग का तहसीलदार और अधिकारी जो है घुमावदार जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ लिखते हैं सरकारी है और एक तरफ लिखते हैं कि इसका जो है टैक्स भरा गया नगर निगम। मैंने इसको लेकर लोकायुक्त से भी शिकायत की थी, लोकायुक्त में शिकायत दर्ज हो गई है। जल्दी जो भ्रष्ट अफसर जिन्होंने पैसा खाकर जो है फर्जी तरीके से नक्शा पास कराया उनके खिलाफ केस कायम होगा। और अभी फिलहाल जो है अपने टीएनसीपी के अफसरों ने इस जगह का नक्शा स्थगित कर दिया। ठीक है सर, सर आपका परिचय? मेरा नाम सूरज उपाध्याय एडवोकेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।